हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका साथी कुलवंत सिंह नरवाल एडवोकेट। फ्रेंड्स, काफी दिनों से कुछ क्वेरीज आई, कुछ साथियों ने पूछा हैंड कफिंग को लेकर के, क्या हैंड कफिंग अलाउड है, क्या हथकड़ी लगाना अलाउड है या नहीं, इस बारे में काफी साथियों ने पूछा है। तो आज इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, हैंड कफिंग इज नॉट अलाउड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने काफी सारे जजमेंट्स में ये क्लियरली मेंशन किया है और बोला है कि हैंड कफिंग इज नॉट अलाउड, हथकड़ी लगाना अलाउड नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि कुछ पुरानी मूवीज, हॉलीवुड की बात करें या बॉलीवुड की कुछ मूवीज के अंदर, एक पुलिस ऑफिसर आता है और एक हाथ में ऐसे हथकड़ी लेकर के बोलता है, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, भागने की कोशिश मत करना। ऐसे कुछ डायलॉग्स और ऐसे सीन अक्सर देखने को मिलते हैं, जबकि रियल लाइफ में ये इलॉजिकल है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, कानून ऐसा नहीं कहता, कानून में हैंड कफिंग अलाउड नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के कुछ जजमेंट हैं और इसमें जो सबसे माइलस्टोन जजमेंट है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का ये जजमेंट आया था और इसमें बताया गया कि हर पर्सन की अपनी एक डिग्निटी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, लिबर्टी है। तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 21-22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते हैं, उनका वायलेशन हैंड कफिंग से होता है, हथकड़ी लगाने से उन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो जब हथकड़ी की नौबत आती है तो उससे पहले बात करते हैं अरेस्ट के बारे में, और अरेस्ट के बारे में एक टॉपिक हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट्स में बताया क्लियरली, और ये बड़े माइलस्टोन जजमेंट्स रहे हैं, आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। अमूमन देखा जाता है पुलिस स्टेशन्स के आसपास, जब आप कोर्ट्स में जाते हैं तो वहां पर कुछ पुलिस वाले किसी पर्सन को हथकड़ी लगा के, उसकी हैंडकफिंग करके उसको ले जा रहे होते हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। आपने ऐसा जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा रियल लाइफ में। तो ऐसा क्यों होता है, आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा, जबकि कानून कहता है कि हैंड कफिंग अलाउड नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हैंड कफिंग इज नॉट अलाउड। दोस्तों, 1978 में एक जजमेंट आया था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि हथकड़ी लगाने से उस पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, तो इसलिए ये अलाउड नहीं है। उसके बाद एक और जजमेंट आया, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन 30,000 कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991, इस जजमेंट में भी कहा गया हैंड कफिंग इज नॉट अलाउड। और दोस्तों, इसके बाद एक और जजमेंट आया, अजनी कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1992, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैंड कफिंग इज नॉट अलाउड, हथकड़ी लगाना अलाउड नहीं है।
क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है हथकड़ी से, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो दोस्तों आप देखते हैं अक्सर कि जब ये अलाउड नहीं है तो कोर्ट्स में और जो पुलिस कुछ अपराधियों को कुछ व्यक्तियों को पेश करती है, पकड़ के लाती है, किसी प्रिजनर को जेल से जब कोर्ट लाया जाता है या थाने से कोर्ट लाया जाता है या फिर कोर्ट से फिर जेल ले जाया जाता है, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो हथकड़ी लगाते हैं और उनको ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं इनको। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि किन केसेस में आप हथकड़ी लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जब आती है, ऐसे केस में पुलिस हथकड़ी लगा सकती है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जघन्य अपराध हुआ है, बहुत ही करूर अपराध है, ऐसे केस में जिसमें उस पर्सन को बेल का राइट नहीं होता, नॉन अवेलेबल कोई ऑफेंस उसने किया है, तो ऐसे केस में पुलिस हैंडकफिंग कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। और जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है पुलिस की, उसमें क्लियरली मेंशन करना होगा, लिखना होगा, कारण बताने होंगे और उसको हथकड़ी लगा सकते हैं, हैंडकफिंग कर सकते हैं। एक ग्राउंड तो ये है। दूसरी बात, अगर पुलिस को लगता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वो काफी वायलेंट नेचर है उसका और वो रुकावट पैदा कर सकता है या रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है पुलिस की कार्यवाही में, उसको ले जाया जाता है जब कोर्ट में जब पेश करते हैं, तो उस दौरान जो पुलिस के जो स्टाफ होता है उनकी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। पुलिस थाने से जेल तक जो स्टाफ लाता है वो पुलिस अलग होती है, फिर जिस पुलिस की ड्यूटी कोर्ट के अंदर लगी होती है उन कैदियों को, उन व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं, वो लोग अलग होते हैं। ऐसा एक सिस्टम होता है पूरा, जेल से जो लेकर के आते हैं प्रिजनर को वो स्टाफ कोर्ट में लेके आता है, उसके बाद वहां एक सेल होता है, वहां से फिर दूसरा स्टाफ होता है वो उस व्यक्ति को कोर्ट तक ले जाता है। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये वायलेंट नेचर का पर्सन है, इसकी जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का रहा है कि ये रुकावट पैदा कर सकता है, तो ऐसे केस में वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के हैंडकफिंग कर सकते हैं, हथकड़ी लगा सकते हैं। तीसरी बात, अगर पुलिस को लगता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है या सुसाइड कर सकता है, ऐसा पुलिस को लगता है, तो वो अपनी डेली डायरी रिपोर्ट में लिखेंगे उसके बारे में और परमिशन लेंगे बाकायदा मजिस्ट्रेट से, और फिर वो हैंडकफिंग कर सकते हैं, हथकड़ी लगा सकते हैं, और लगानी भी चाहिए क्योंकि एट दैट टाइम पुलिस की ड्यूटी है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की लाइफ की, उसकी सिक्योरिटी की, उसकी हेल्थ की, उसकी ड्यूटी बनती है पुलिस की जिनकी वो कस्टडी में उस टाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें ये है कि अगर पुलिस को लगता है कि ये अपराधी हमारी गिरफ्त से भाग जाएगा, भाग जाने का डर उन्हें लगता है कि ये कोई नामी अपराधी है और यहां से भाग सकता है, फरार हो सकता है, तो ऐसे केस में वो उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकते हैं, हैंडकफिंग कर सकते हैं मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर। तो ये कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इन केसेस में हथकड़ी लगा सकते हैं, हैंडकफिंग की जा सकती है।
अदरवाइज कोई इनोसेंट को पकड़ा है और उसकी कोई केस हिस्ट्री नहीं है, उसने पहले कोई वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है और उसको वो हथकड़ी लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। हैंडकफिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है इससे। आर्टिकल 21-22 की अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां से ये आते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन जजमेंट्स में क्लियरली मेंशन किया है, बताया है, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने बड़े ध्यान से इन बातों को समझा और ये जानने की कोशिश की है कि किस केस में हथकड़ी लग सकती है और क्या हैंडकफिंग अलाउड है या नहीं है। और आपको इन बातों का पता होना चाहिए, आपको अपने राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज नॉलेज आपको एम्पावर करता है, आपको आपके राइट्स के बारे में जानकारी होती है तो ही आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आपके राइट्स के बारे में पता है तो आप किसी दूसरे के राइट्स का भी वायलेशन नहीं करते। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इस चीज को समझ चुके हैं, और आप अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, जय हिंद।